गाइस आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होम्स प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज है 20x30। जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में, फ्रंट इसका 20 फिट दिया, लंबाई इसकी 30 फिट दिया। इसमें आपको 1 शॉप मिलेगी, पोर्च मिलेगा और 2 BHK हाउस प्लान कम्प्लीट मिलेगा। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है। फ्रंट इसका 20 फिट दिया, लंबाई इसकी 30 फिट दी है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट में आपको पोर्च भी दिया है, अंदर आपको 2 BHK हाउस प्लान कंप्लीट मिलेगा। देख सकते हैं फ्रंट में आपको 1 शॉप भी मिलती है। अगर आपका किसी अदर साइज का प्लॉट है तो हमारे चैनल पे आके यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप काफ़ी प्लान मिल जाएंगे अदर अदर साइज के। अगर आप चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो बढ़ते हैं अपने प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको एक दुकान दिखती है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको पोर्च मिल जाता है। पोर्च से पहले आपको कुछ इस तरीके सीढ़ियाँ दी हुई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दुकान के लिए भी आपको सीढ़ियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको शटर मिल जाता है। शटर से आप एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख जाता है। शटर से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको एक दुकान दिख जाती है। देख सकते हैं इस दुकान का मैंने साइज रखा हुआ है 10x9 इसका साइज दिया। फ्रंट इसका 10 फिट दिया, लंबाई इसकी 9 फिट दी, कुछ इस तरीके से साइज दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको पोर्च मिल जाता है। देख सकते हैं ये आपका कंप्लीट पोर्च बना हुआ है। इस पोर्च का मैंने साइज रखा हुआ है 10x6 का यहाँ पे आपको पोर्च मिल जाता है। देख सकते हैं 10x6। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। ये 4 फिट का आपका गेट लगा हुआ, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से जीना दिख जाता है। ये 3 फिट का आपका जीना बना हुआ है। देख सकते हैं जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। ये आपका पैर रखने वाला 9 इंच का, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। कंप्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है। बाकी का यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको हॉल दिख जाता है। इस पूरे हॉल का मैंने साइज रखा हुआ है 10x12 इसका साइज दिया हॉल का। देख सकते हैं 10x12। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको किचन दिख जाती है जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 6x7। फ्रंट इसका 6 फिट दिया, लंबाई इसकी 7 फिट रखी हुई है। कुछ इस तरीके इसका साइज दिया किचन का। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाती है जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 3.5x7। 3.5x7 के यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको रूम दिख जाता है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस रूम का मैंने साइज दिया 10x10। ये 10x10 का आपका रूम बना हुआ है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको सेम साइज का रूम दिख जाता है 10x10 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में सबसे पहले आपको शॉप मिलती है, उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्च मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 3 फिट का जीना मिल जाता है। जीने के नीचे आपको हॉल मिल जाता है बड़ा सा। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे आपको 2 रूम मिल जाते हैं। इस साइड आपको लैट्रिन बाथरूम मिल जाती है और किचन मिल जाती है। अब बात करते हैं फ्रंट के एलिवेशन की, अटिया की कंप्लीट अटिया आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका एंट्री गेट दिया हुआ है, वेंटिलेशन हॉल के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे जाल दिया हुआ है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हॉल का वेंटिलेशन होता रहेगा। फ्रंट एलिवेशन आपका कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल पिलर का यूज किया है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको पोर्च भी डिजाइनिंग दिया हुआ है 20x30 में। गाँव के हिसाब से, शहर के हिसाब से बहुत ही बेस्ट प्लान है। अगर आपको पोर्च का प्लान पसंद है तो यहाँ पे देख सकते हैं 20x30 में कंप्लीट आपका प्लान बना हुआ है 1 शॉप के साथ। देख सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया। अगर आज का प्लान पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो के लिए धन्यवाद।